वेलकम टू देसी मील टाइम। देसी मील टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आप सभी का शेफ उमेश। आज हम बनाने जा रहे हैं बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्वीट रेसिपी जिसका नाम है घेवर। तो चलो देखें कैसे बड़ी ही आसान तरीके से घर पर बना सकते हैं घेवर। तो हमें यहाँ सबसे पहले साफ सुथरा एक ब्लेंडर लेना है। उसके बाद हमें चाहिए 60 ml घी। हम ब्लेंडर में घी डालेंगे। उसके बाद हमें बर्फ़ के चाहिए टुकड़े। अगर आपके पास छोटे छोटे टुकड़े नहीं हैं तो आप उसको रात भर जमा भी सकते हैं एक कटोरी में या कोई भी छोटे बाउल में। फिर वो आप उसको उसके टुकड़े छोटे छोटे टुकड़े करिए और आप उसको ब्लेंडर में छोटे छोटे टुकड़े डालिए। बड़े टुकड़े ना डालें क्योंकि बड़े टुकड़े से आपका ब्लेंडर ख़राब हो सकता है। तो छोटे टुकड़े आई प्रेफर, तो आप छोटे टुकड़े यूज़ करिए और फिर उसका ढक्कन क्लोज करके उसको आप ब्लेंड कीजिए। 1 से 2 मिनट ब्लेंड कीजिए। आपको जो घी का जो टेक्सचर है वो बिल्कुल मक्खन की तरह होना चाहिए। तो आप उसको ब्लेंड करिए, बीच बीच में चेक करते रहिए। आप उसको खोल के देखेंगे तो आपको देख अगर वो लगेगा कि जैसे बहुत हार्ड है तो आप उसमें ठंडा पानी भी डाल सकते हैं। ठंडा पानी डालने का रीज़न कि वो जो आपका घी है वो सही से ब्लेंड होगा बर्फ़ के साथ, तो वो एक फॉर्म सा जो टेक्सचर है वो देता है। तो ये देखिए, ये आपके सामने अब बिल्कुल बटर जैसा, बिल्कुल मक्खन जैसा जो टेक्सचर है। मैं स्पैचुला से उसको मिक्स कर रहा हूँ। मिक्स करने के बाद उसके बाद मैं उसका ढक्कन लगा के उसको एक बार फिर और ब्लेंड करूँगा। कम से कम 1 मिनट और ब्लेंड करूँगा। ब्लेंड करने के बाद आप देखेंगे कि जब मैं ब्लेंड कर लूँगा उसके बाद धीरे धीरे मैं उसमें अभी डालूँगा मिल्क। मिल्क हमें डालना है यहाँ पर 100 ml। मेरे पास एक छोटा सा कप है कांच का, तो मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। और मिल्क डालने का क्या रीज़न है, मिल्क डालने से जो आपका जो घेवर है का जो टेक्सचर है बाद में जब पकने के बाद वो बहुत सॉफ्ट होता है। मतलब ज़्यादा सॉफ्ट नहीं ना ज़्यादा हार्ड, तो ये रीज़न होता है। आपको कोई नहीं बताएगा, तो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। इसमें दूध डालने का ये रीज़न होता है कि आपका जो घेवर पक के आएगा वो ना ज़्यादा हार्ड होगा ना ज़्यादा सॉफ्ट। यहाँ देखिए, ये बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल बटर जैसा आपको टेक्सचर मिल रहा है। तो हमें जो है हमें यही चाहिए। अब हमें मैं यहाँ पर ले रहा हूँ 1 कप बड़ा मैदा। ये कम से कम 500 से 600 ग्राम मैदा है। मैं यहाँ पर मैदा ले रहा हूँ। आपको एक साथ नहीं डालना है, आप चाहे जितना भी मैदा लीजिए। आप अगर आप रोज़ खाना बनाते तो आपको ये एक्सपीरियंस होगा। तो एक एक स्पून इसमें डालना है। एक से अब अगर एक स्पून नहीं तो आप 2 स्पून डालिए, लेकिन आप सब या आधा एकदम से नहीं डालेंगे, नहीं तो ये आपका डो की तरह हो जाएगा। तो आप इसमें एक एक करके डालें, एक एक स्पून डालें, दो दो स्पून डालें, फिर आप इसको ब्लेंड करें। देखिए मैं यहाँ पर एक एक या दो दो स्पून डाल रहा हूँ। आप ज़्यादा से ज़्यादा 3 डाल सकते हैं, लेकिन आपको उसके साथ धीरे धीरे पानी भी डालना पड़ेगा। फिर आप उसको ब्लेंड करिए, एक एक मिनट 30-30 सेकेंड उसको ब्लेंड करिए। और फिर आप उसमें फिर मैदा डालिए। और यहाँ पर मैं देखिए, मैं लेमन जूस नहीं डाल रहा हूँ, लाइम जूस डाल रहा हूँ। और यहाँ पर मैंने एक छोटा सा चम्मच बेसन का लिया है। इस बेसन डालने का एक रीज़न है कि इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। ये देखिए, मैं बर्फ़ का ठंडा पानी डाल रहा हूँ। जो हमारा जो बैटर है जब हम फ्राई करते हैं उस समय बिल्कुल ठंडा होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, मैंने बैटर बना के तैयार कर लिया। अब इसको मैं फ्रिज में रख दूंगा जब तक कि हमारा और सामान रेडी ना हो, तेल गरम ना हो। अब मैं यहाँ पर मैंने 4 बड़े गिलास दूध लिया है। ये ऑलमोस्ट हमारा 3.5 लीटर दूध है, 3 से 3.5 लीटर दूध है। अब मैं इसका रबड़ी बना रहा हूँ। यहाँ पर हमें यहाँ पर इसकी रबड़ी बनाई है। और ध्यान रखें, हमें जो दूध है हमें यहाँ पर हिलाते रहना है, हमें इसको छोड़ना नहीं है। देखिए इसका टेक्सचर यहाँ पर कितना बढ़िया आ गया है। तो और इसके स्पैचुला से, अगर आपके पास स्पैचुला है, कोई भी स्पैचुला हो, आप इसके साइड वाइप करते रहिए। तो जब आपको लगेगा कि ये देखिए कैसा टेक्सचर है,
ये रिड्यूस होके ऐसा टेक्सचर आना चाहिए। यहाँ पर मैंने यहाँ पर 250 ग्राम नहीं 200 ग्राम चीनी ली है, 200 ग्राम चीनी ली है और अब मेरा रबड़ी तैयार होने वाली है, मेरी रबड़ी तैयार होने वाली है। आप इसको पकाएंगे, चीनी को पकाएंगे, मैंने भी चीनी को पकाया है। तो मैं ये चीनी को पका के, जब चीनी डालते हैं तो थोड़ा सा थिन होता है तो इसको पकाना पड़ता है चीनी को। और अब देखिए, अब मैं इसमें अपनी रबड़ी निकाल रहा हूँ। एक प्लेट या थाली, मैंने यहाँ पर थाली ली है, आपके पास लंबी ट्रे तो आप लंबी ट्रे ले सकते हैं, उसमें जल्दी ठंडा हो जाएगा। अब मैं इसको साइड में रख दूंगा, बाद में हम इसमें थोड़ी इलायची पाउडर, ग्रीन इलायची पाउडर, रोज वाटर मिलाएंगे। अब हम बनाएंगे यहाँ पर चाशनी। चाशनी के लिए मैं लूँगा 1 kg चीनी और 1 kg चीनी में हम डालेंगे पानी। देखिए मैं कितना पानी डाल रहा हूँ, मैंने 400 ml पानी लिया है यहाँ पर। 400 ml पानी मैं आपको सही से दिखा रहा हूँ। फिर हम इसको पकाएंगे, इसको चूल्हे पर आप पकाते रहें, मेक श्योर आप इसको हिला लें। जब हिलाने के बाद, जब एक बार हिला लेंगे तो उसके बाद आपको पता चल जाएगा ये लगनी नहीं चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर लेंगे घी, हमने जो फ्रिज से जो बैटर लिया था। अब हम, अगर हमारे पास लैडल नहीं है, मैं प्रेफर करूँगा कि आप कोई भी बोतल ले लें। अगर आपके पास स्क्विज बोतल नहीं है, स्क्विज बोतल नहीं है तो आप एक कैंपा कोला की बोतल ले लें 1 लीटर की, उसमें छेद करें बीच में और आप उसे यूज़ करें तो आपकी जो धार है बिल्कुल सही सीधी पड़ेगी। आपको बिल्कुल मिडल में डालनी है जैसे मैं डाल रहा हूँ, ठीक है। तो मैं तो लैडल यूज़ करता हूँ, लेकिन मैं आप लोगों की आसानी के लिए, आपको दिखाने के लिए, मैंने यहाँ पर फर्स्ट टाइम बोतल का यूज़ करा है, क्योंकि हम होटल्स में लैडल यूज़ करते हैं। हमारे पास बड़ा वाला लैडल होता है, ऑलमोस्ट लाइक यू कैन से 200 ml लैडल्स हम यूज़ करते हैं होटल्स में, फाइव स्टार होटल में। तो यहाँ पर मैंने स्क्विज बोतल फर्स्ट टाइम यूज़ करी है आप लोगों को दिखाने के लिए, जो आप घर में इजी से बना सकें। तो ये देखिए मैं कैसे डाल रहा हूँ। आपको जो ये जो लिक्विड है ये इकट्ठे नहीं डालना है, आपको धीरे धीरे डालना है, आपको पेशेंस रखना है। आपको कम से कम 20 seconds आपको ये जो बैटर, जो हम इसमें जो लिक्विड डाल रहे हैं, इसको धीरे धीरे पकाना है हमने, ठीक है। तो आपको जब तक पकाना है जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो देखिए आपको कोई जल्दी नहीं है, आपका जो है ये देखिए, मैं इस बीच में धीरे धीरे इसको चेक कर रहा हूँ और ये देखिए ऐसे ही तरीके से आप इसमें, मैं देखिए मेरे जो जो मेरे जो राउंड सर्कल है कॉर्नर के, वो ब्राउन है। तो देखिए हमारा जो घेवर, इसका मतलब है बहुत अच्छा आ रहा है। हम ऐसे ही लिक्विड डालते रहेंगे और इसको पकाते रहेंगे। जितना आपको बड़ा घेवर बनाना है आप वैसे लिक्विड डालें, मैं ज़्यादा बड़ा साइज़ प्रेफर नहीं करता हूँ। तो ये बिना मोड़ के बना रहे हैं हम यहाँ पर, कोई सांचा, कोई केक का मोड, कोई कुछ नहीं चाहिए हमें। ये सिंपल घर में आप इजी वे बना सकते हैं, आप कढ़ाई में बनाइए, वॉक में बनाइए, कोई भी शेप में आप बना सकते हैं। बस ये कि आपको मिडिल में डालना है मिक्सचर, और आपको एक साथ नहीं डालना है, आपको कम से कम 15 seconds, 20 seconds एंड 30 seconds आपको हाई फ्लेम रखनी है, स्लो फ्लेम नहीं रखनी है। ये देखिए हमारा कितना अच्छा गोल्डन ब्राउन घेवर यहाँ पर रेडी हो चुका है। पहला घेवर मैंने दिखाया आपको कढ़ाई में, अब दिखाऊंगा मैं आपको छोटे से एक पैन में। देखिए मैं मिडिल में डाल रहा हूँ यहाँ पर। आपका, आपको नोट रखना है कि यहाँ पर ध्यान रखें, आपको जो ऑयल है आपका बहुत हॉट होना चाहिए। जब ऑयल हॉट होगा और जो आपका लिक्विड चिल्ड है, जो आप हमने, मैंने आपको पहले बताया था, उसका कॉम्बिनेशन से ये घेवर बनता है, उसके उसका जो गर्म और ठंडे के कॉम्बिनेशन से घेवर बनता है। देखिए मैं कैसे बीच बीच में छेद कर रहा हूँ और ऐसे ऑयल लिए लेंगे, एक छोटे से लैडल, आपके पास लैडल नहीं है तो एक छोटा सा स्पून लीजिए और उससे डालते रहिए। ये देखिए बिल्कुल हमारा घेवर कितना शानदार, जैसे हम, हमें बाजार में देखने को मिलता है वैसे ही बिल्कुल बाजार की तरह हमें यहाँ पर दोनों, मैंने एक जो कढ़ाई में थोड़ा बड़ा घेवर बनाया था, मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं, मतलब हमें 4-5 टायर वाला केक नहीं बनाना है, मैंने आपको इसलिए 2 shapes में बनाया, एक कढ़ाई में और एक छोटे से पैन में जिसमें आप चाय बनाते हैं वही। अब हमारी जो चाशनी है, ये देखिए मेरा जो चाशनी का टेक्सचर है वो कैसा है, ठीक है। अगर आप कढ़ाई में अगर चाशनी बनाते हैं तो आप इसको डायरेक्ट घेवर को उसमें सर्कल से चारों कॉर्नर से आप उसको उसमें डिप कर सकते हैं, वो सबसे ईजी रहता है। हम 5-star होटल्स में बिल्कुल वैसे ही बनाते हैं हलवाई सेक्शन में, जैसे मैंने सीखा था आज से 20 साल पहले,
हम वैसे बनाते थे, लेकिन घर पे हम यहाँ पर लेडल या जो आपके पास स्पून बड़ा है स्पून से आप डाल सकते हैं। आपको ज़्यादा नहीं डालना है, नहीं तो आप ये जो है सॉगी हो जाएगा, सॉफ्ट ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये जो घेवर हमने बनाया है ये बिल्कुल हार्ड रॉक नहीं है, ये मीडियम साइज़ के टेक्सचर का है, ना ज़्यादा हार्ड ना ज़्यादा सॉफ्ट। तो हम यहाँ पर देखिए मैं कैसे यहाँ पर डाल रहा हूँ, मैं ज़्यादा नहीं डाल रहा हूँ, मैं सारी चाशनी यूज़ नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, राइट। तो आप देखिए मैं कैसे यहाँ पर घेवर में चाशनी डाल रहा हूँ, आपको भी ऐसे ही डालनी है। ये देखिए हमारी जो मैंने बनाया था दूध आपको दिखाया था कैसे। अब इसमें हमने यहाँ पर इलायची पाउडर और ये है रोज़ वाटर। रोज़ वाटर मैं केवड़ा प्रेफर नहीं करता हूँ, क्योंकि केवड़ा का जो टेक्सचर आपको पता भी नहीं चलेगा घर में। हम तो कभी भी फाइव स्टार होटल्स में हम एक दो ड्रॉप डालते हैं रबड़ी में और हमको मालूम है कितना डालते हैं, लेकिन आप घर में आई प्रेफर आप रोज़ वाटर यूज़ करें, तो रोज़ वाटर कड़वा नहीं होता है और अच्छा फ्लेवर देता है। मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ रोज़ वाटर, अगर मैं कोई खाना बनाता हूँ मैं केवड़ा यूज़ नहीं करता हूँ, मैं रोज़ वाटर यूज़ करता हूँ। तो आई प्रेफर यू गाइज ऑल्सो यूज़ रोज़ वाटर। अब देखिए जो हमारी जो रबड़ी है, जो मैंने इलायची पाउडर, ग्रीन इलायची, हरी इलायची का जो पाउडर रोज़ वाटर डाला था उसमें, मैं दोबारा जो ठंडी हो चुकी थी उससे मैंने सही से मिक्स करा था, और मैं यहाँ पर स्पैचुला से हमारी जो रबड़ी है मैं स्प्रेड कर रहा हूँ। मैं देखिए कैसे धीरे धीरे उस हमारा जो घेवर है बड़ा वाला, पहले मैं बड़े वाले घेवर में आराम से धीरे धीरे, अगर आपके पास स्पैचुला नहीं है तो आप कोई भी स्पून ले सकते हैं या कोई भी छोटा सा आप कह लें तो नाइफ ले सकते हैं, बटर नाइफ, धीरे धीरे उस पर अप्लाई करें, कोई इतनी कोई जल्दी नहीं है। मेक श्योर आपका घेवर, वैसे तो आपका टूटेगा नहीं, इतना ये मुलायम तो है नहीं घेवर, मीडियम साइज़ का, ना ज़्यादा हार्ड ना ज़्यादा मुलायम। तो देखिए कैसे मैं यहाँ पर स्पैचुला यूज़ कर रहा हूँ, आजकल स्पैचुला हर घर में होते हैं, हाँ, लेकिन आप ध्यान रखें, मैं प्रेफर करूँगा आप वुडन स्पैचुला ना लें, इस वुडन स्पैचुला से मे बी आपका घेवर टूट भी सकता है, राइट, क्योंकि चाशनी डालने के बाद आपका घेवर सॉफ्ट हो जाता है। जो बाजार में जो घेवर होते हैं वो चाशनी डाल के हल्के से ड्राई करे होते हैं तो वो हार्ड हो जाते हैं, राइट। तो ये हम चाशनी के तुरंत बाद हम यहाँ पर अपनी मलाई वाली जो रबड़ी है वो लगा रहे हैं। आप रबड़ी कितनी भी लगा सकते हैं, रबड़ी आपको ज़्यादा लगानी, कई लोगों को रबड़ी बहुत ज़्यादा पसंद होती है, कई लोगों को रबड़ी कम पसंद होती है। तो अब हमें यहाँ पर चाहिए गार्निश के लिए चांदी का वर्क, पिस्ता जो हमारा हरा वाला पिस्ता जो जूलियन चाहिए, बादाम के फ्लेक्स चाहिए। अगर आपके पास चांदी का वर्क नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ये देखिए बस हमारा घेवर बिल्कुल रेडी हो चुका है, मैंने केसर यूज़ करा। तो हाँ, आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और हाँ, अगर आप लोगों को कोई रेसिपी पसंद हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर हमें बता सकते हैं, मैं आप लोगों के लिए वो रेसिपी जरूर लेकर आऊंगा। तो चलो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट रेसिपी में, टिल देन गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर योरसेल्फ, बाय फॉर नाउ।